खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाजरीन आपको बताते चले, मारूफ ताजर महमूद अख्तर खान की घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। फायरिंग करने वाले मुलजिमान जदीद आछी असला से लेस मोटरसाइकिल पे सवार थे। गोलियों की गूंज से इलाका में खौफ हरास फैल गया। मुतासरीन का DPO से नोटिस का मुतालबा। नाजरीन आपको तफसीलात से आगाह करते चले, उकाड़ा के नवाही शेरगढ़ पुल धूल में मारूफ ताजर खाद डीलर महमूद अख्तर खान के घर गुज़श्ता रात 1 बजे के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग कर दी, जिससे घर का मेन गेट गोलियों से छलनी हो गया। गोलियों की थरथराहट से इलाका में खौफ हरास फैल गया। सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से असलहा से लैस नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फायरिंग करने वाले नामालूम अफराद के खिलाफ ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका। मुतासरा खानदान समेत इलाका भर की सियासी व समाजी तंजीमों ने DPO उकाड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कुछ अर्सा पहले भी महमूद अख्तर खान की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में वो और उसका बेटा अनस मोहम्मद खान मुआजजाना तौर पर बच गए थे, जबकि इसका बहनोई आबद मकसूद शदीद जख्मी हो गया था, जिसके मुलजिमान ताहाल फरार हैं। हमें रिपोर्ट की है हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद ने।